वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं भाई पावर वॉश, और हम ये हमारा बिजनेस है भाई, तुम्हें बता दूं पहले। और यहाँ पर भाई हमारे पास एक आज हमारी गाड़ी आ रखी है, तो इसको साफ करना, और ये भाई हमें जल्दी से जल्दी करनी है, मतलब कम से कम समय में। तो भाई हम अपनी फुल पावर लगाने वाले हैं इस गाड़ी को साफ करने के लिए। और सबसे पहले भाई विंडशील्ड साफ करने वाले हम, क्योंकि भाई विंडशील्ड का ये ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा दिखती है, और इसी से पता लगता है भाई गाड़ी कितनी गंदी है या पुरानी है। तो भाई हम भाई बिल्कुल प्रेशर वाले नोजल से कर रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़िया नोजल भी है। जैसे ये देखो, इससे एरिया तो ज्यादा कवर हो रहा है, बट इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही भाई। देख रहे हो, ये देखो, ये तो भाई पूरी विंडशील्ड को एक ही बार में कवर कर रहा है, बट यही है कि भाई इसकी एक्यूरेसी कम है, और हमें भाई मस्त एक्यूरेसी वाला चाहिए। तो भाई हम बिल्कुल बहुत पावर से क्लियर करेंगे, इसे क्लीन कर देंगे भाई बिल्कुल मस्त तरीके से। ये देखो, अपना भाई विंडशील्ड थोड़ी सी रह गई है। ओके भाई, विंडशील्ड क्लियर हो गई है। अभी नेक्स्ट हम भाई बोनट भी साथ में क्लियर कर देते हैं यार, कि इसमें भाई बहुत ही मेहनत लगती है। ये दिखने में जितना इजी लगता है उतना डिफिकल्ट काम है भाई, क्योंकि भाई गंदगी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी की गंदगी इतनी ज्यादा है, और दिखने में भाई ये मट से भाई, ये मेरे को तो ये पहली बात तो यही नहीं क्लियर हो रहा कि भाई गाड़ी जिसकी भी है वो इतनी गंदी करके कैसे लेके आया। मतलब क्या ऑफ रोड ऑफ रोड गया था क्या इस वैन को लेके? भाई खटारा सी वैन है, इसमें क्या ही ऑफ रोड करेगा। बट यार फिर भी भाई जिस हिसाब से आई है ना, मुझे लगता है काफी देर से खड़ी रही होगी गाड़ी। तो वैसे ही भाई वैसे ही खराब हो रखी है किसी की गाड़ी है। ओके, साइड से भी भाई साइड में साइड कर ही लेते हैं। तो भी जैसे ये देखो, ओके मैन, तो टायर्स वगैरह भी हैं, बट टायर्स भाई लास्ट में करेंगे भाई, पहले तो भाई सारे मिरर्स करते हैं साफ अच्छे से। ये देख रहे हो भाई कितनी गंदगी है, हमें भाई कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं यार, हम साफ तो करेंगे ना, ये हमारा काम है, हमारा बिजनेस है ये। विंडो भाई थोड़ी सी रहेगी मुझे लगता है, प्रेशर है कहां पर, गंदगी रह कहां गई? ग्लास भाई थोड़ा सा ही रहता, बट कहां रहता ये नहीं पता। ओके मैन, अब दरवाजा भी भाई साइड बाय साइड के साथ में ही कर देते हैं क्लियर, क्योंकि भाई दरवाजा भी भाई बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा दिख रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर मड की भाई पेंटिंग की है किसी ने, जैसे मड से पेंट करते हैं ना, वैसे किसी ने पेंट कर दिया इस गाड़ी को। बट कोई बात नहीं यार, जैसे अभी बाकी बॉडी भी क्लियर कर देते हैं, हमें भाई कम से कम टाइम में करना है। और गाड़ी के साफ करने का भाई हमें टाइम दे रखा 5 मिनट, अबे 5 मिनट में घंटा गाड़ी साफ होगी भाई? कितनी गंदी कर रखी है, कितने पागल चोमू लोग हैं भाई ने, गाड़ी इतनी गंदी अबे साफ करवानी सिर्फ 5 मिनट में? अबे यार ये पागल है क्या, 5 मिनट में इतनी बड़ी वैन, वो भी इतनी ज्यादा गंदी। पावर वॉश भाई हमारी कंपनी के स्टिकर लगा रखे हैं, बट यार 5 मिनट में तो नहीं हो सकती साफ, इसको भाई अच्छा खासा टाइम लगेगा, और बढ़िया से अगर साफ करनी है तो उसका टाइम लगता है भाई। वरना भाई हम ऐसे जैसे टायर भाई आधी गंदी गाड़ी ले जानी पड़ेगी इन्हें तो, बट देखते हैं यार क्या कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर है, गंदगी देख रहे हो भाई कितनी भर भर के गंदगी कर रखी है। ये टायर भी कर दिया हमने, ओके भाई देख रहे हो भाई पीछे का तो अलग ही सीन हो रहा है इधर। ये और यहाँ पर देख रहे हो हमने यार ऊपर भी भाई कितनी गंदी है यार। अबे यार भाई हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस गाड़ी के ऊपर, कुछ जिस हिसाब से ये गाड़ी गंदी है ना। पहले तो भाई इसका बम्पर क्लियर करते हैं, बम्पर हो गया क्लियर। ओके, अभी यहां से भी भाई साइड बाय साइड क्लियर करते रहना भाई, हमें पानी जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी हमें गाड़ी, क्योंकि जिसकी भी गाड़ी है भाई उसे जल्दी से जल्दी गाड़ी चाहिए ये वाली।
तो भाई ये देख रहे हो अभी 5 मिनट भाई जितना टाइम था उसने भी पहले हो गई है। कोई बात नहीं यार, उन्होंने 10 मिनट कर दिया अभी तो मस्त भाई तरीके से साफ करेंगे, तो उनको देख के मजा ही आ गया भाई। क्या मस्त गाड़ी बनाई है, किसकी है ये? उन्हें पहचानने में नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो मेरी गाड़ी है, कितनी मस्त बना देंगे हम। यहाँ से भाई देख लो भाई पूरी लेयर जम रखी है विंडोज के ऊपर तो गंदगी की, और उतना ही भाई ज्यादा टाइम लगेगा अगर जितनी ज्यादा गंदगी होती है गाड़ी। ओके मैन, ओके भाई हो गया भाई, जैसे थोड़ी थोड़ी गंदगी रह गई है जैसे देख रहे हो ये दरवाजे के ऊपर है। ओके अब भाई साहब, ओके भाई नीचे भी है। ओके भाई ये तो मैं बस तो मैं लेट गया, तो मेरे को पता लग गया, अब मेरे को पता ही नहीं लगना था कि इसके नीचे से भी गाड़ी साफ करनी है, इतनी गंदी हो रही है भाई। टायर भी कर ही देते हैं यार, लेटे तो हुए हैं हम, देख रहे कितनी गंदगी है भाई, मड पूरा चिपक रखा गाड़ी के ऊपर। हाँ यार इसमें तो भाई बहुत ही गंदा वाला टाइम लगने वाला हमें। ये टायर भी हो गया क्लीन, ओके के भाई भाई अभी अच्छे से सही साफ कर लेते हैं, तो टायर हो गए हमारे। ओके मैन भाई गंदगी इतनी ज्यादा ना, हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 7 मिनट हो भी गए हैं और हमें 10 मिनट में गाड़ी तैयार करके देनी है उनकी, बट यार ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है यार, क्योंकि भाई अभी गाड़ी का काफी काम बचा है। मतलब तुम सोच सकते हो ना, मतलब गाड़ी की अभी छत पूरी की पूरी पड़ी है, और गाड़ी हमारी अगर परसेंटेज में देखे तो हमारी भाई 64% अभी गाड़ी हुई है, और भाई बाकी इतने परसेंट आया तो भाई टाइम तो लगेगा ना, इतना डिफिकल्ट जॉब है यार। ऊपर से लोगों को भाई डिमांड है कि इतने टाइम में मिल जानी चाहिए, भाई कैसे मिलेगी? अगर गाड़ी साफ भी होती तो इतनी जल्दी मिल सकती थी भाई, इतनी गंदी करके गाड़ी लेके आते हैं और ऊपर से कहते हैं हमें इतने टाइम में गाड़ी चाहिए, भाई यहाँ पर कोई पागल है क्या? हम इतना टाइम तो भाई लगेगा ही लगेगा, बट कोई बात नहीं यार हम साफ करके देंगे हम वॉश अपने कस्टमर को। 2 मिनट रहते हैं और 2 मिनट में भाई जल्दी जल्दी बड़े वाला नोजल यूज करते हैं अभी थोड़ा, जिससे ज्यादा एरिया कवर हो सके और हम ज्यादा से बढ़िया मतलब काम कर सके जल्दी, जैसे अभी हम नीचे से कर सकते हैं। ओके यहाँ पर भाई अच्छे वाला गंदा हो रखा है, बट यहाँ पर पहले ये साफ कर लेते हैं यार टायर। और हाँ भाई गाड़ी का फ्रंट तो पूरा ही पड़ा अभी, और गाड़ी भाई अच्छे काफी गंदी ये आगे से भी होगी, ये रह गया भाई देख रहे कितनी भाई गंदगी है भाई, बम्पर वगैरह भाई अच्छे से गंदे हो रखे हैं, देख रहे हो ना भाई कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है हमें क्लियर करने के लिए। बट यार कोई बात नहीं, 80% गाड़ी होगी और 1 मिनट का टाइम है, बट नहीं हो पाएगा, बट करते हैं यार कितनी कोशिश करेंगे। और ये भाई मुझे लगता है थोड़ा सा एरिया रह गया, जैसे ये है और टायर के ये एरिया, और ओके गाड़ी ये भी होगी बट ये फ्रंट रहता अभी, तो अभी देखते हैं यार फुल हम फुल अपनी पावर लगा देते हैं गाड़ी और क्लियर करने में, क्योंकि भाई हम आज क्वालिटी के तो देखते हैं, क्योंकि गाड़ी को साफ करने के लिए कला है, इसका टाइम तो लगता है ना भाई, ऐसे तो है नहीं कि हाँ यार जल्दी जल्दी पानी मार के साफ कर दो तो अच्छे से साफ भी ना हो तो काम भी नहीं सही होगा। हम तो भाई हमने कस्टमर से पैसे लेने तो हमें तो भाई पूरी अपनी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बम्पर हो गया, अकेली छत रहेगी है क्या? नहीं भाई यहाँ पर भी अभी ओके
भाई साहब इधर तो बम्पर ऊपर से भी पड़ा है। ओके अब भाई साहब, अबे यार 10 मिनट रह गई भाई, गाड़ी साफ तो कर दी। अब भाई हम तुम देखे लेके जाओ, किसी को घंटा नहीं पता लगने वाला कि ऊपर से गंदी हुई रखी है। तो कोई ये कौन सा कोई क्या जंप मार के देख रहा है कि हाँ भाई गाड़ी अच्छी है भाई, ऊपर से साफ किया कि नहीं। देख रहे कितनी वो चमचा, मतलब चमक रही है गाड़ी, चमचमा रही है। अब ऐसे काम अगर तुम्हें करवाना तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम लोग बाय।